So now students, the next level of the testing is जिसको हम लोग non-functional testing भी कहते हैं, क्योंकि जो functional testing होती है उसके लिए आपने test cases लिख लिए, use cases लिख लिए and so on. जो non-functional testing होती है ना, वो उसमें जो सबसे सबसे top पे आपकी testing आती है ना, that is उसको हम लोग बोलते हैं performance testing. अब performance testing को करने के लिए जिस तरह की testing हम करते हैं उसको बोलते हैं stress testing. Now try to understand what is meant by stress testing. देखें, आजकल speed of your system, especially your website or mobile app, is of essence. यानी अगर मैं किसी एक वेबसाइट पे जाऊं और अगर उसको लोड होने में फॉर एग्जाम्पल 4-5 सेकंड लग रहे हैं, तो स्टैट्स मुझे ये बताते हैं कि आई वॉन्ट विजिट दैट वेबसाइट अगेन. यानी जो जो लोगों का परसिस्टेंस लेवल है ना ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट, आई मीन अगर एक वेबसाइट को के ऊपर मैं दोबारा आऊंगा तो उसका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा है ना, तो देयर इज अ चांस कि आई वॉन्ट कम टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट अगेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी फंक्शनलिटी बड़ी अच्छी है, उसमें कोई लिंक ब्रेक नहीं हो रहा एंड सो ऑन. वो सेकेंडरी चीजें हैं. और प्राइमरी चीज आजकल के जमाने में ये है कि हाउ क्विक एंड हाउ मच लेस लोडिंग टाइम योर वेबसाइट और योर मोबाइल ऐप इज. दिस इज एग्जैक्टली वेयर योर स्ट्रेस टेस्टिंग कम्स इन, नंबर वन. नंबर टू, स्ट्रेस टेस्टिंग से मुराद ही होती है कि हम लोग डेवेलपमेंट के एनवायरमेंट में इंटेंशनली या बाय डिजाइन एडवर्स एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं एंड देन वी टेस्ट कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एडवर्स एनवायरमेंट से मुराद ही होती है वर्स्ट केस सिनेरियो. वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है, क्या वो क्रैश कर जाता है, क्या वो हैंग कर जाता है, या कोई एबनॉक्शियस सा बिहेवियर करना शुरू कर जाता है, या एग्जिट कर जाता है, क्या करना शुरू कर देता है. दिस इज योर स्ट्रेस टेस्टिंग. और इसी से आप फिर स्टैट्स को जमा करके बेंचमार्किंग करते हैं. अमूमन जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है कि जी इतने यूजर्स तक की परफॉर्मेंस, यानी अगर एक फॉर एग्जाम्पल मैं इफ आई एम ट्राइंग टू परचेज अ सॉफ्टवेयर, तो अमूमन ये लिखा होता है कि जी फॉर एन नंबर ऑफ यूजर, फॉर एग्जाम्पल 100,000 नंबर ऑफ यूजर तक इसका जो लोडिंग टाइम है वो एक्स फॉर एग्जाम्पल सेकेंड होगा, क्योंकि दे हैव टेस्टेड इट. अब बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता कि आप डेवलपमेंट या आप टेस्टिंग के एनवायरमेंट में 1 बिलियन यूजर्स को टेस्ट कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल. तो दिस इज वेयर योर बेंच मार्किंग कम इन. तो स्ट्रेस टेस्टिंग से मुरादी होती है कि आप जान बूझ के वर्स्ट केस जो सिनेरियोज हैं वो जनरेट करते हैं डेवलपमेंट या टेस्टिंग की एनवायरमेंट में, और स्टैट्स को गैदर करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज स्टैट्स यू बेंचमार्क योर प्रोडक्ट. बेंचमार्क से मुरादी होती है कि आप क्लाइंट को अप फ्रंट बता देते हैं कि जी 100,000 यूजर तक तो इसकी परफॉर्मेंस ये रहेगी. द मोमेंट यू विल क्रॉस फॉर एग्जाम्पल 100,000 यूजर्स, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू एड अनदर सर्वर ऑफ दिस ग्रेड फॉर एग्जाम्पल. तो ये चीजें आपको यूजर को अप फ्रंट बतानी पड़ती है, नंबर वन. नंबर टू, और ये चीजें आपको टेस्ट करनी पड़ती हैं. यानी जब मैं ये कह रहा हूं ना अनफेवरेबल कंडीशन का सबसे बड़ा जो चेक होता है ना वो ये होता है कि कितने यूजर्स पे जाके आपका जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश कर जाता है, या उसकी रैम कब आउट हो जाती है, यानी कितने नंबर ऑफ यूजर्स उसके ऊपर साइमल्टेनियसली आते हैं वेबसाइट के ऊपर तो आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, या कितने नंबर ऑफ यूजर तक आपका सिस्टम अपनी स्टेट को मेंटेन करता है और उसके बाद उसका बिहेवियर डिफरेंटली होना शुरू हो जाता है. दीज ऑल कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर स्ट्रेस टेस्टिंग. और लोडिंग टाइम इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. यानी इफ आई विल यूज सम एनालिटिक्स ना, तो एनालिटिक्स में ये बताया होता है कि एवरेज लोडिंग टाइम इतने सेकंड चल रहा है, मेरी वेबसाइट का फॉर एग्जाम्पल वाई सेकंड चल रहा है, जो आइडियली अचीव करने के लिए जो स्टेप परफॉर्म करने के लिए बोला होता ना, या जो मुझे स्टेप परफॉर्म करने चाहिए वो भी रिकमेंड किए होते हैं, और वो अमूमन जो स्टेप्स होते हैं इम्प्रूव करने के लिए लोडिंग टाइम, वो अमूमन आपकी कोड रिफैक्टरिंग के होते हैं. मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल फॉर लूप बहुत ज्यादा लगा दिए हैं, या आपने एसक्यूएल की क्यूरी बहुत हैवी लिख दी है, या आपने आर्किटेक्चर बहुत लेयर्स बहुत ज्यादा ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपका लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जा रहा है. सो द
द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि जो स्ट्रेस टेस्टिंग है ना, इसकी इंपॉर्टेंस पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन एज वी स्पीक इन 2017 ना, स्ट्रेस टेस्टिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वेबसाइट परफॉर्मेंस. ये इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इवन इन योर मोबाइल एप्स. मोबाइल ऐप के अंदर भी वी कैन नॉट इग्नोर दिस फैक्ट कि अगर आपकी एक मोबाइल ऐप के अंदर अगर एक चीज को व्यू करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसकी जो यूजेबिलिटी है, यानी लोग जो उसको यूज करेंगे, वो उसकी यूजर बेस एकदम कम हो जाएगी, विच नो कंपनी कैन अफोर्ड. सबसे जो इजिएस्ट चेक होता है ना स्ट्रेस टेस्टिंग को करने का, वो ये होता है कि आप ये देखेंगे वेबसाइट के ऊपर कंकरेंट यूजर कितने सपोर्ट होते हैं. यानी इट इज वेरी इजी टू सिमुलेट, यानी आप अपनी एक वेबसाइट के ऊपर आपने नंबर ऑफ हिट्स हैं उनको सिमुलेट करना है, तो आपको यह पता लग जाता है कि कितने नंबर ऑफ यूजर तक मेरी वेबसाइट या मेरा सर्वर जो है वो अपने आप को सस्टेन करता है. यू नोट दैट नंबर ऑफ यूजर्स एंड यू नोट दैट लोडिंग टाइम एंड देन यू बेंच मार्केट. दिस इज हाउ एक्चुअली स्ट्रेस टेस्टिंग वर्क. अदरवाइज अगर आपके सिस्टम के अंदर स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं होगी ना आजकल के जमाने में, देन यू आर वेरी वल्नरेबल. रीजन है कि पहले इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है, यानी एक ही तरह के इतने प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट प्लेस के अंदर कि जो लोडिंग टाइम है आपकी, द वे द थिंग्स आर यानी यूआई की चीजें, ईज टू यूज अ सॉफ्टवेयर, दे आर नाउ ओवरराइडिंग द फंक्शनैलिटी. क्योंकि फंक्शनैलिटी सेकेंडरी चीज बन चुकी है. अब आपकी ईज टू यूज, स्टेबिलिटी कितनी है, स्केलेबिलिटी कितनी है, क्या हैंग तो नहीं हो रहा सिस्टम. यानी इफ आई फाउंड अ वेबसाइट जिसको लोड होने में तो कम टाइम लग रहा है, लेकिन इट इज इट क्रैशेस व्हेन एवर आई हैव माय इंटरनेट कनेक्शन डिसकनेक्टेड. तो इट इज वेरी वेरी यू नो बैड एक्सपीरियंस फॉर मी एज अ एंड यूजर. तो ये चीजें पहले इतनी मैटर नहीं करती थी, अब ये चीजों की वर्थ और वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल के जमाने में यूजर इज एक्चुअली योर रेवेन्यू. तो नो कंपनी कैन अफोर्ड टू लूज द रेवेन्यू, क्योंकि अगर आपके क्लिक्स कम होंगे तो अमूमन जो कंपनीज का रेवेन्यू है वो क्लिक्स की वो क्लिक के बेसिस के ऊपर चल रहा होता है, और मोबाइल ऐप का जो रेवेन्यू है वो तो चलता ही क्लिक्स के ऊपर है कि द मोर क्लिक्स यू हैव द मोर रेवेन्यू यू हैव. सो स्ट्रेस टेस्टिंग आजकल के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है.